ये पापा के नाम पे बाइक है, अभी कॉल करके मंगाते हैं। एक मिनट देना, मोबाइल देना मेरे। करना पापा को कहा। क्या हो गया? पता नहीं मैं बोलूं। भाई भोगने की बात है यार, चुप कर। व्लॉग शूट कर रहा हूँ, तेरी कॉल जो है ना व्लॉग में रिकॉर्ड हो रही है। ये चीज आप चेक कर लो भाई, हम अपनी बाइक को ना कुछ ऐसा बनाने वाले हैं। एंड अभी मैं ना भैया से बात कर रहा। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम, ईद मुबारक। अच्छा साइड पे चला करो, ठीक है? साइड से जो आराम से जो पकड़, ठीक है? चलो अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है छोटू? अस्सलाम वालेकुम। फर आई चुका। तो हेलो ब्यूटीफुल फैमिली, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ कि सब लोग खैरियत से होंगे। एंड नए व्लॉग शुरुआत हो चुकी है। आज व्लॉग स्टार्टिंग जो है ना वो हम मिरर में कर रहे हैं। नॉर्मली तो हम घर में व्लॉग स्टार्ट करते हैं, ठीक है? सोचा आज ना नेक्स्ट लेवल से व्लॉग स्टार्ट करते हैं। एंड आपका भाई जो है ना आज नेक्स्ट लेवल के पास आया है। स्टॉक चेक कर रहे हो, बहुत सारे कपड़े। आज मैं कपड़ों के बारे में आपको कुछ नहीं बताऊंगा। ये बंदा जो है ना मेरा स्नैप शूट कर रहा है, देख लो भाई। और इसके स्नैप पे इतनी ज्यादा वो ऐड है। गाइस अपने को ना थोड़ी बहुत टेंशन हो रही है, बिकॉज मेरा तीन चार दिनों से कंटिन्यू रेगुलर व्लॉग स्टार रहा हूँ, बट मुझे लग रहा है ना मेरी चैनल डेड हो गई है, ठीक है? इस पर व्यूज नहीं आ रही। जो पहले हमारा रीच था ना वो रीच अब नहीं रहा, एंड उस रीच को वापस लाने के लिए ना अब मेरी कोशिश जारी है, ठीक है? इंशाल्लाह इन फ्यूचर हो सकता है कि हमारी चैनल जो है फिर से ठीक हो जाए। तो गाइस आप सबको तो ये चीज़ बताई यार, पिछले एक महीने में ना मैंने एक दो वीडियो अपलोड किया, एंड उसके कारण ना सारा रीच डाउन हो गया चैनल का फिर। एंड अब मुझे लग रहा है ना मेरी चैनल पूरी डेड है। मैं नई चैनल खोलूँ एंड उस पर ना मैं व्लॉग्स बहुत सारे टाइप के मैं व्लॉग्स बनाता हूँ, एंड मेरी कोशिश यही रहती है यार कोई ना कोई व्लॉग चलेगा। रिजल्ट देखता हूँ ना कोई भी व्लॉग जो ना अच्छा नहीं जा रहा है, बिकॉज चैनल जो है ना पूरी डेड हो गई है। मैंने पिछले एक महीने में दो ही वीडियोस डाले। जो मैंने उससे पहले वीडियोस अपलोड किए थे ना उनका रीच वगैरह जो बहुत सही था, एंड मेरी चैनल जो है ना वापस ग्रो होने लगी थी अच्छे से। मैंने गैप दी एक महीने की, एंड उसके बाद पूरी चैनल जो है ना फिर से वापस डेड हो गई। तो अब इस चैनल को उठाना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। इस चीज में ना आप सबका सपोर्ट चाहिए। ये चैनल ऐसी रही ना तो फिर ये पूरी डेड हो जाएगी, ना नई चैनल बनानी पड़ेगी, जो कि मेरे लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। इतने फॉलोवर्स जो है ना, इतने सब्सक्राइबर्स फिर से गेन करना, तो ये एक लंबा प्रोसेस रहता है। प्लीज वीडियोस को शेयर किया करो ताकि अपना चैनल का रीच जो है ना वो फिर से हमें वापस आए, एंड हम इसी चैनल पे रेगुलर व्लॉग्स डालें। अगर इस चैनल पे रीच वापस नहीं आया ना फिर मुझे दूसरी चैनल खोलनी पड़ेगी, और जो मैं नहीं चाहता, बिकॉज मैंने ना इस चैनल पे बहुत ज्यादा मेहनत किया। ऑलराइट गाइस, यहां पे लगी है अपनी Z900 हैंड, वहां पे लगी है V-Stone, अभी फुल पावर रेडी है, एंड आपका भाई भी फुल पावर रेडी है। मैं आपको बताऊं, सुबह सुबह ना मैंने बाइक में चेन लूप किया। बाइक्स में आपको मैं एक चीज बताऊं, चेन लूप करना पड़ता है आफ्टर 500 किलोमीटर जो आपने कवर किया उसके बाद बाइक में चेन लूप करना पड़ता है। आया था अपने मार्केट, एंड मैं आपको बताऊँ मुझे ना अभी जाना है आदि के फिल्म्स के पास, वहाँ पे मुझे मॉडिफिकेशन के रिलेटेड बात करनी है, बिकॉज अपने को ना अपनी बाइक मॉडिफाई करनी है। चलो आजा ब्रो। तो यार मैंने बच्चों को देखा ना, ये रुके मेरे लिए, तो अब डर रहे थे मेरे पास आने के लिए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो छोटू? अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक हो? अच्छे से। कहाँ पे रहते हो? वीडियोज़ देखते हो? ठीक ठीक मेरी जान। तुम्हारा नाम क्या है? अस्सलाम वालेकुम। तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारा ठीक है। क्या हाल है छोटू, ठीक हो? अच्छे से। अस्सलाम वालेकुम। तुम सब फ्रेंड्स हो? अस्सलाम वालेकुम। ओके ब्रो, ठीक है? अच्छा साइड पे चला करो, ठीक है? साइड से जो आराम से जो पकड़, ठीक है? चलो अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है छोटू? अस्सलाम वालेकुम। वार आ चुका। चलो साइड में बैठा करो। हाँ ओके ओके बाय। देखो ना इतने प्यारे प्यारे बच्चे मिले थे ना, सबसे ज्यादा ना बच्चे मेरे वीडियोस देखते हैं। एंड अगर मैं कभी बाइक तेज चलाता हूँ ना, आपको तेज नहीं चलाना, अगर हम कभी बाइक्स पे कोई चीज ट्राई करते हैं तो हम एक्सपीरियंसड बंदे हैं, हमने इस पे टाइम दिया है बहुत। जो बच्चा मेरा वीडियो देख रहा है, प्लीज आप ख्याल रखो, हमेशा आराम से चलो। मेरे तमाम छोटे भाइयों के लिए ना मैसेज है, दिल में रखो, अपने दिमाग में रखो, हमेशा प्यार से चलो। अभी हम जाने वाले हैं हादी के फिल्म्स के पास, एंड वहाँ पे हमें मॉडिफिकेशन के रिलेटेड थोड़ी बहुत बात करनी है कि हम अपनी बाइक को ना इन फ्यूचर कैसे बनाए। मतलब बड़ा पैसा मुझे इस पे इन्वेस्ट करना है, फिर जाके बाइक जो है ना उस हिसाब की बनेगी। अभी देखना भाई, बंदा वहीं पे होना चाहिए। ये चीज़ आप चेक कर लो भाई, हम अपनी बाइक को ना कुछ ऐसा बनाने वाले हैं। एंड अभी मैं ना भैया से बात कर रहा हूँ जो ना कुछ ऐसी बन सकती है कि नहीं, तो भैया बोल रहे हैं कि भाई कोशिश करेंगे, लेकिन इसमें ना किट लगी है। इस वाले Z900 में एक किट लगी है, जैसे कि आप KTM लेते हो ना, आप KTM में एक किट लगा दो, किट उसको बोलते हैं। Z900 में भी एक किट लगती है, पीछे से आता है सीट जो ना निकालनी पड़ेगी, एंड उसके बदले हमें कवर डालना पड़ेगा। अंडर बैली जो है ना वो भी चेंज होती है, वो यहाँ पे इसको ज्वाइंट दिया गया, वहाँ से अंडर बैली यहाँ तक आती है, ये चीज़ अपने को डालनी पड़ेगी। और रेडिएटर ग्रिल जो है ना इसमें R&G की ग्रिल लगी है, ये भी हमें चेंज करनी पड़ेगी। वहाँ पर ना बड़ा सा Z900 लिखना पड़ेगा। और फ्रंट में देखो भाई, साइड मास्क दो जो है ना इनमें कलर है, एंड यहाँ पे एक हल्का सा स्टिकर लगाना है। तो हो सकता है इन फ्यूचर हम अपनी बाइक को ना कुछ ऐसा बनाए। तो अभी ना बात चल रही है, लेकिन ये X2 किट जो है ना बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। अब मान के चलो नियर अबाउट ये किट मुझे पड़ेगी 60,000 में, लेकिन ना मैं फाइनेंशियली थोड़ा बहुत स्ट्रांग हो जाऊंगा, आफ्टर दैट हम ये किट लेके आएंगे, एंड मॉडिफिकेशन जो है ना हम कश्मीर में कराएंगे बाइक की। सो गाइस हम ना धीरे धीरे करके अपनी बाइक में काम करेंगे, लेकिन आप सबसे प्रॉमिस है कि मैं अपनी बाइक को कुछ ऐसा बनाऊंगा ना, हमारे J&K की पहली बाइक ऐसी होनी चाहिए, मतलब ऐसी मॉडिफिकेशन किसी
के पास नहीं है ना किसी ने की होगी, तो वैसे ही हम अपनी बाइक में मॉडिफिकेशन करेंगे। थोड़ा सा टाइम लगेगा बिकॉज ये किट जो है ना बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है एंड इसके लिए मुझे पहले ना पैसा जमा करके रखना पड़ेगा, उसके बाद हम ये किट ले सकते हैं, फिर हम मॉडिफिकेशन करेंगे। अगर मैं मॉडिफिकेशन करूँगा ना वो तो नॉर्मल सी मॉडिफिकेशन हो जाएगी एंड वो ना सभी बंदे करते हैं भाई, तो मैं वो चीज़ नहीं करूँगा। हम थोड़ा सा ना हट के करेंगे, Z900 की किट लेके आएंगे। तो किट का नाम मुझे भी पता नहीं है इसमें कौन सी किट लगती है, बट मैंने देखी मतलब बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो चेंज होती है बाइक में। फिर थोड़ा सा टाइम लगेगा, ये नहीं है कि भाई मैंने आज आपको बोला कि बाइक की मॉडिफिकेशन करूँगा सुबह बाइक रेडी कराऊंगा, ऐसी बात नहीं है, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। Z900 तैयार हो जाएगी ना, आप सब भी याद रखोगे एंड पूरा J&K याद रखेगा। भाई प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर्स, सलाम अलैकुम, क्या हाल है छोटू? सलाम अलैकुम, क्या हाल है ब्रो, कैसे हो? ठीक हो? मज़े में? कहाँ थे? स्कूल? बस बस, शुक्रिया भाई। विलेज में राइड करते हैं ना, बड़े सारे बंदे मिलते हैं, छोटे छोटे बच्चे जो है सबसे ज़्यादा मिलते हैं, जो कि हमारे वीडियोस देखते हैं एंड हमेशा मैं छोटे बच्चों को बोलता हूँ बाइक आराम से चलाया करो। तो गाइस अपने दिमाग में ना एक बात चल रही है, दोस्त को मिलने जाना है एंड ये बंदा जो है ना उस दोस्त को नहीं कॉल करूंगा, जब ये बंदा वहां पहुंचेगा ना उसको वो डराएगा, मतलब एक टाइप का प्रैंक हम करेंगे इस बंदे के साथ। लेकिन इस बेचारे को अभी पता नहीं है मेरे साथ प्रैंक होने वाला है, फिलहाल ना आगे जाके हम रुकेंगे, मैं अपने फ्रेंड को कॉल करता हूँ, वो ना इसको डराएगा भाई, डराएगा कुछ बहाना बना के, तो इसकी रिएक्शन लेंगे यार। चीज़ जो ना अपने को अभी दिमाग में आ गई ना, कॉपी राइट आ जाएगा। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम भाई। ए वालेकुम सलाम, ईद मुबारक। खैर मुबारक भाई, दुप माया। हेलो, व्लॉग शूट कर रहा हूँ, तेरी कॉल जो ना व्लॉग में रिकॉर्ड हो रही है। हाँ हाँ, पता है क्या करना है? हम दो बाइक्स पे वहाँ आ रहे हैं, ठीक है, एक तो फरहान की बाइक है और मेरी बाइक है। ठीक है, आप कहाँ पे हो अभी? हम नीचे है, तुम्हारे गांव से नीचे है। दो बाइक्स पे आ रहे हैं, एक तो फरहान की बाइक है, दूसरी मेरी है। ठीक है, थोड़ा बहुत डराना उसको, उसके साथ प्रैंक करने वाले हैं, उसको पता नहीं है, वो तुम्हें जानता नहीं है, आएगा मुझे ना उस बंदे की रिएक्शन लेनी है, कैसा रिएक्ट करता है जब उसके साथ प्रैंक हो जाएगा। ये इंटरेस्टिंग चीज जो है ना आज हम करने जा रहे हैं, ब्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग है। यहाँ से अपने को ना दिमाग में बात है यार, दोस्त के पास जा रहे हैं तो ये यादगार रहना चाहिए, आया समझ? अस्सलाम वालेकुम ब्रो, ठीक है? कासू में कर स्टार्ट यार, मेरा सब बंगा किया था। किसने? इसने? तो मैं नहीं छोड़ूंगा आज। ऑलराइट गाइस, प्रैंक स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, चलो भाई। ओ आपकी बाइक कैसी है ये यार? क्या हुआ? क्या हुआ? मेरी बाइक है, हमारी बाइक है भाई। दोस्त है मेरा, क्या हो गया? ये क्या भाई, आपका दोस्त नहीं है? तो बाइक कैसे आपकी है भाई? मैं चला रहा हूँ, आप कहाँ से चला रहे हैं भाई? हमने ली है भाई की। आगे दिखाओ ना मुझे अपने। तू ज्यादा क्यों चला रहा है? चिल्ला, क्या हो गया? दोस्त है मेरा इस बार, क्या हो गया भाई? दोस्त है मेरा यार, क्या क्या गया? तुझे पता नहीं मैं कौन हूं भाई? भोगने की बात है यार, चुप कर भाई। परसों हमने शोरूम से ली बाइक, भाई आपकी कहां है? आप बता दे। वो भाई आप पीछे बैठो, आप पीछे बैठो। मैं देख किसकी बाइक है, पीछे क्या बैठो? मुझे क्या पता, तू जानता है इसको? मुझे क्या पता, तू जानता है? अभी नहीं यार, कौन? तुम्हारी बाइक है? हां मेरी बाइक है। हां ब्रो हमारी बाइक है। क्या हुआ फरहान? यार मुझे पता ही नहीं यार, ये मेरी बाइक है भाई, तू कागज दिखा। ये मेरी बाइक है, बकबक मत कर जरा। कैसे कैसे तेरी बाइक है भाई? मेरी बाइक है, कागज दिखाओ ना। ओ गई थी, आप दिखाओ। आप दिखाओ, कागज दिखाओ ना। हाँ भाई कागज दिखाओ आपके पास। फोन अभी लगा ना इसमें, बैटरी लो। फोन फोन नहीं कुछ भी, फोन नहीं क्या? डॉक्यूमेंट चाहिए बस भाई। आप इसमें बताओ किस नाम पर रजिस्टर हुई? अच्छा मुझे डॉक्यूमेंट चाहिए बस, और कुछ? एक मिनट यार, एक मिनट मैं निकालता हूँ। डॉक्यूमेंट चाहिए मेरी बाइक को, ये तो पापा के नाम पे बाइक है, अभी कॉल करके मंगाता हूं। एक मिनट देना, मोबाइल देना मेरा। करना पापा को कहा? क्या हो गई तुम्हारी बाइक? हां ये हमारी बाइक है। एक मिनट यार, इशू नहीं है कोई भी बात भाई, अभी एक मिनट में कागज मंगवाते हैं यार, एक मिनट। किसको कॉल कर रहा है? पापा को? हां हां, रुक और रुकना, काट 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 काट। क्यों रे यार, मतलब ये क्या पंगा है? सुन 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 भाई, हमने प्लान किया था रास्ते में तुम्हारे साथ प्रैंक करने वाले। ठीक है, प्रैंक है यार। छोटा बच्चा जो है ना भाई, डर गया बहुत ज्यादा। एंड पता, सुन सुन, पता आइडिया कहाँ पे आया मुझे? जब तू वहाँ से आगे निकला था ना, उस टाइम मैंने सोचा भाई तुम्हारे साथ प्रैंक करूंगा, खतरनाक प्रैंक। तू डर गया था, तेरी बाइक को दूसरा बंदा बोल रहा है मेरी बाइक है, ऐसा थोड़ी मानना होता है भाई। बाइक तूने शोरूम से लिया, काफी मजा आया। इसको सॉरी बोलना है क्योंकि जंग किसने छेड़ी है, जंग किसने छेड़ी है यार। पापा को ना कॉल करने वाला था सच में गाइस, यार खतरनाक प्रैंक एंड प्रैंक सक्सेसफुल रहा यार, बहुत ज्यादा मजा आया। चलो भाई अब हम गपशप मारते हैं क्योंकि बड़े टाइम के बाद इस बंदे से मैं मिल रहा हूँ। सो ऑलराइट गाइस, यहाँ पे छोटे छोटे से सब्सक्राइबर्स आ चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है बच्चा पार्टी? ठीक हो? हाय गुड़िया, हेलो, ठीक हो? फोटो उठाया बाइक के साथ? फुलवा बाइक के साथ?
शाबाश ओके बाया साइड से जो भी हमारा चलो। फिर उन्होंने अपने फादर को साथ लिया था पूरे की फोटो शूट करना है बाइक के साथ तो ठीक है ओके बाय साइड से जो भी हमारा वो बंदा वो गलत रिएक्ट कर रहा है ठीक है वो मतलब जान ऐसी चीजें कर रहा है ओके बाय 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 आ जा मेरी जान बाय ओके साइड से जो भी हमारा हमेशा ठीक है ओके चल सलाम करब चलो भाई।